नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो, एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो तुम। कौन पिया तुम, कौन पिया? तुम्हारी माँ ने रिश्ते की बात की थी तुमसे, क्या सोचा, क्या फैसला किया? जी हाँ, कर लिया फैसला मैंने। गुड, तो फिर उनसे बात कर ली जाए। नहीं, पहले मैं कर लूँ फिर आप कर लीजिए। चाचा मैं मलमा से शादी करना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं रमेश बाबा? जब गुदड़ी पोष के हाथों में हीरों भरी थैली आ जाए तो उसकी उम्र भर की नींद उड़ जाती है। मैं जा तो रही हूँ शराफत बेगम, लेकिन आज के इस दिन को तुम हमेशा याद रखोगी। याद रखने के काबिल तो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, अब जाती हो या तुम्हारे लिए यादगार भी तामीर करवाऊं? चलो तुम कमरे में। बड़े साहब आपको बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ कॉफी पिएं। उनसे कहो कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में फंसा हुआ हूँ, थोड़ी देर में आकर उनको ज्वाइन करता हूँ। जाओ। जी सर। अगर आप बिजी ना हो तो मैं कुछ देर बैठ सकती हूँ? प्लीज आइए, बैठिए। काफी अच्छा कमरा है आपका। थैंक्स। आंटी बता रही थी कि आप अपनी हर चीज खुद सेलेक्ट करते हैं, कलर स्कीम, फर्नीचर सब आपकी पसंद की होती है। जी हाँ, मामा और बाबा ने हमें बचपन से ही अपने डिसीजंस पे भरोसा करना सिखाया, इससे इंसान का डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बचपन से ही आदत हो गई। गुड, मुझे भी ऐसे ही लोग पसंद है। कैसे? अपने ऊपर भरोसा करने वाले, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाले। अंकल बता रहे थे कि बिजनेस में भी रोज आप एक नया चैलेंज ढूंढते हैं, इज दैट सो? मुझे लग रहा है कि बाहर बैठ के आप लोग सिर्फ इस नाचीज को ही डिस्कस करते रहे आज। नाचीज? अरे आप तो खासी ऊंची चीज हैं। उर्दू बहुत अच्छी है आपकी, हालांकि आपने अपनी एजुकेशन भी बाहर से कंप्लीट की है। जी हाँ, उर्दू लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, स्पेशली उर्दू शायरी, नॉवेल, अफसाना। और आप? आई एम सॉरी, इधर ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिटरेचर से तो जान जाती है मेरी, मुझे बस फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। लड़कियों को अमूमन फैशन बहुत फैसिनेट करता है, और उसके अलावा बॉलीवुड, हॉलीवुड, गॉसिप्स एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? हाँ, ये सब तो चलता रहता है। आपको क्या फैसिनेट करता है? मुझे पूरे चांद की रातें, डूबता सूरज, पहली बारिश की खुशबू और खिजां का मौसम। डरपोक बुज़दिल बेशरम, डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में। गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसे निकम्मे आदमी का इंतखाब किया, वरना मुझ जैसी लड़की को रिश्तों की कमी है क्या? चवेरिया, क्या हो गया तुम्हें? खुद ही सुनाती रहोगी या मेरी भी सुनोगी कुछ? नहीं जरबाब, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हारी अम्मा जान जो इतनी बातें सुना के गई है ना, वो आइंदा सालों के लिए बहुत है। और वैसे भी तुम्हें अगर जरा शर्म होती ना, तो अब तक तुम अपने घर में तमाशा लगा के मेरी तरफ आ गए होते मेरे मामा बाबा से माफी मांगने के लिए। लेकिन नहीं, तुम अब भी एक चूहे की तरह अपने बिल में दबके बैठे हो। लानत है तुम्हारे मर्द होने पर। चवेरिया, फॉर गॉड सेक्स यार, क्या हो गया तुम्हें? इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज तो यूज करो ना। और जो तुम्हारी अम्मा जान ने लैंग्वेज यूज किया उसका क्या? मैं जानता हूँ बहुत गलत हुआ, और इसके लिए मैं तुमसे और फाखरा खाला से माफी मांगना चाहता हूँ तुम लोगों के घर आकर। प्लीज अब तुम गुस्सा थूक दो, छोड़ो ना, इस बात को जाने दो। नहीं जरबाब, अब ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी, चाहे तुम पाँव पकड़ो या नाक रगड़ो।
अब वो वक्त आ गया जहाँ पर फैसला किया जाता है। तुम्हारी अम्मा जान को बताना पड़ेगा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाह रही हो? मतलब ये कि अब हम उनकी इल्म में लाए बगैर शादी करेंगे और उन्हें बताएंगे कि अब उनके पास मुझे अपनी बड़ी बहू तस्लीम करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। क्या ये तू कैसी बातें कर रही हो? मैं अम्मी से छुपकर भला तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? उसकी तुम फिक्र मत करो, अब वो ना तुम्हें गोली मारेंगी ना आग करेंगी और उनका गुस्सा तुम्हें झाग की तरह बिठा दूंगी। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम मुझे कल मिल रहे हो बाकी बातें करने के लिए या नहीं। पता नहीं, तुम ही बता दो कब कहाँ मिलना है। ठीक, ये निसार अंकल की फैमिली किसी खास वजह से आई थी आज क्या? नहीं, वजह तो कोई खास नहीं। मैं चाह रही थी कि तुम्हारी और सुंबुल की एक ताज़ा मुलाकात हो जाए। कैसी लगी तुम्हें सुंबुल? वो मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली बता चुका हूँ कि आई एम इन लव विद समवन एल्स। अब आपके खास मानों में मुझसे पूछना कि सुंबुल मुझे कैसी लगी, ये मुझे अपसेट कर रहा है। तुम्हारा सिर्फ ये कह देना कि तुम किसी और को पसंद करते हो मेरे और तुम्हारे बाबा की तसल्ली के लिए नाकाफी है। तुम मेरी औलाद हो, इतना तो समझ ही सकती हो कि तुमने वक्ती जज्बात से मगलूब होकर अपने लिए एक साथी चुना है। इस खानदान के लिए एक बहू नहीं चुनी होगी। एक खानदानी अच्छे हसब नसब की आला तालीम याफ्ता और खाते पीते घराने की अगर लड़की होती तो तुम पहले ही दिन बिना हिचकिचाहट के बता देते, जैसे मैंने और बाबा ने तुम्हें आज अपनी पसंद बताई। और अगर वो लड़की सुंबुल से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा तालीम याफ्ता और ज्यादा खाते पीते घराने की लड़की है तो ठीक है, वरना इस कस्से को यहीं खत्म कर दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और बाबा के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो। मॉम, मैंने किसी लड़की के हसब नसब, उसके खानदान या उसके जहेज में मिलने वाली प्रॉपर्टी के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। जिंदगी गुजारने के लिए तो मैंने अपनी लाइफ पार्टनर से उसकी डिग्रियां तक नहीं मांगी। मैं आपका बेटा हूँ मॉम, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि इंसानों के बनाए हुए झूठे और नुमाइशी मैार को तो मैंने आज तक कभी माना भी नहीं। मैं अपने रस्ते और चलन पर कारबंद रहने वाला इंसान हूँ। अगर मेरी पसंद की लड़की आपको नापसंद है और आपके मैार पर पूरी नहीं उतरती तो ठीक है, मैं शादी नहीं करती, कोई झगड़ा फिसाद नहीं होगा, बात खत्म। अच्छा बस बहुत हो गया, मुझे ये बताओ उस लड़की का नाम क्या है, कौन है, कहाँ रहती है, किसने मिलवाया है तुम्हें? अभी और इसी वक्त सारी तफसीलात चाहिए मुझे। आसमान को इतना ज्यादा नहीं देखते। क्यों? इसलिए कि इसके बाद फिर दुनिया में वापस आने को दिल नहीं करता। इस सोच को इतना प्योर, इतना स्ट्रांग मत बनाओ कि दुनिया से तुम्हारा रिश्ता ही खत्म हो जाए। दुनिया के लोग बहुत जालिम होते हैं, कि आपको इतना मासूम, इतना सादा ना बनाओ। लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो बार बार वापस खींचा चलाता हूँ तुम्हारे पास। ये पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो मुझे बहुत दौलत दी है जिसके बाद दुनिया की किसी चीज की कोई तमन्ना रहती ही नहीं। वो क्या? कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। दिल से है जुड़े ये दिल अपने, कहने को कोई रिश्ता ही नहीं। इस पाकीज़ा से बंधन दुनिया में कोई समझा ही नहीं। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया? लेकिन तुमने तो हद कर दी वकार अली, अपनी बेटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तुम कौन पिया?
अरे हमीदा बहन, सुबह सुबह खैरियत तो है सब? भाई सुबह सुबह इसलिए आना पड़ा कि आप तो ड्यूटी पे चले आते हैं, बच्चियां घर में अकेली होती हैं, अब इनसे ऐसी बात करना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं कहो, जो कुछ भी कहना है खुलकर कहो। मैं अपनी इल्मा बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, नहायत शरीफ और मौजिज़ घराना है, लड़का बरसरे रोजगार है, अपना घर है, छोटी सी फैमिली है, आप मिलेंगे ना तो इनकार नहीं करेंगे, इतना अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ मैं इल्मा बेटी के लिए। वैसे भी ये बच्चियाँ मुझे बहुत अजीज है, अब भाई कब लेकर आऊँ इन लोगों को? बहन मेरी तरफ से तो माजरत ही समझे। है भाई, एक दफा लड़के को देख तो लें। नहीं नहीं बस कह दिया ना, नहीं तो कोई रिश्ता है क्या नजर में? बस ऐसा ही समझ लो। मैं लिख कर देती हूँ, मेरे बताए हुए जैसा रिश्ता नहीं हो सकता, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हमीदा बहन कभी कभी इंसान को अपना नुकसान भी बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। क्या क्या कहा आपने? जी मैंने वही कहा जो आपने सुना, रामेश ने वकार अली की बेटी इल्मा से शादी करने का फैसला किया है, उसने सुंबल से शादी करने से इनकार कर दिया है। नहीं, नहीं वकार अली, मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं है। एक बात बताऊं भाई आपको ना, अम्मी आज आपके लिए लड़की देखने जा रही है। पता नहीं कैसी लड़की हो। ये जो माएँ होती है ना भाई, बड़ी होशियार होती हैं, ऐसी लड़की ढूंढ कर लाती हैं कि बंदे को पसंद ही ना आए, उसके दिल पे ही ना चढ़े। क्या कहना चाह रहे हो यार, खुल के बात करो। भाई आप जवेरिया से कोर्ट मैरिज कर लें। होश में तो हो तुम? अगर अम्मी जी ने सुन लिया ना तो खाल उतार कर दरवाजे पर लटका देंगी। एक तो भाई आप अम्मी से बड़ा डरते हैं। बिल्कुल सही कहती है जवेरिया अम्मी के बारे में, कसाई कहती है ना वो ने। तुमसे किसने कहा ये? देख लें, अंदर की भी बातें पता है मुझे। अच्छा जाओ यार, जाके अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूं मैं भाई, आपको आपके फायदे की बात बता रहा हूं मैं। ये जिंदगी इसलिए तो नहीं होती कि सारा दिन गधों की तरह घर वालों का काम करते रहे। देखें लाइफ को एंजॉय करना सीखे। जवेरिया अच्छी लड़की है, आपकी जिंदगी बदल देगी वो, वरना तो कसम से अम्मी अल्लाह मियाँ की गायें जैसी लड़की ना उठा कर ले आए। वैसे ये गायें जैसी लड़कियां मुझे तो नहीं पसंद आती। आरिफ मुझे ऑफिस से देर हो रही है, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है तो क्या मैं नाश्ता कर लूँ? हाँ हाँ ठीक है, जो कहना था मैं कह चुका। वैसे जवेरिया गलत नहीं कहती भाई, एक बार आप लोगों की शादी हो जाए ना तो नाना वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा यस, आपने मुझे बुलाया सर? वकार अली तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा गया। जी सर। कब से मुलाजिम हो इस फैक्ट्री में? सर कोई 20 साल हो। गुड, 20 साल, लॉन्ग टाइम। 20 साल में कितनी रातें होती हैं इसका अंदाजा है तुम्हें? तुम्हें तो अंदाजा होगा, अकाउंट्स के आदमी हो, तुमसे बेहतर ये हिसाब कौन जानता है। इन बेशुमार रातों में तुमने बेशुमार ख्वाब देखे होंगे। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो रात की तारीकी में नहीं दिन की रोशनी में देखे जाते हैं। बहुत प्लानिंग से, सोच समझ के, ताने बाने बुन के
क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? समझ नहीं रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं सर। साफ साफ कहिए, मैं तो अकाउंट्स का आदमी हूँ, दो और दो चार ही समझता हूँ, ये उलझी हुई बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है वकार अली? कुल मिला के यही कोई 35-40 हज़ार होगी सर। और तीन बेटियां हैं तुम्हारी, बहुत मुश्किल से गुजारा होता होगा। नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी से मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं। अच्छी बात है वकार अली, बहुत अच्छी बात है। इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, खुददार, सरबलंद, लेकिन थोड़ा सा काई और समझदार हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम्हारी बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? 21-22 साल होगी सर। तो नौकरी ज्वाइन करते ही तुमने अपनी आंखों में ये ख्वाब सजा लिए थे, एक मामूली मुलाजमत से मालिकों के समधी बनने तक का ख्वाब। सुना है रामेश बाबा को तुम अपनी गोद में खिलाया करते थे, तब से सोचना शुरू कर दिया तुमने? नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंद करो ये बकवास, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। ये सिला दिया तुमने मेरे एहसानात का? मामूली सी रिश्तेदारी का मैंने इतना लिहाज किया, ताल्लुकदारी का इतना पास किया कि पिछले 20 बरस से तुम्हारा खानदान इस नौकरी पे पल रहा है, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी गई, तुम्हें अनड्यू प्रमोशन दिए गए, कभी तुम्हारे हालात देकर और कभी रामेश की वजह से। अब मेरे एहसानात के तले दबने की बजाय तुमने मेरी बराबरी का ख्वाब देखना शुरू कर दिया, शेम ऑन यू। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं है। रामेश बाबा की बचकाना जिद है, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि रामेश कितना सीधा और भोला है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, और तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानते हो। जो कुछ वर्षों से होता आ रहा था वो मैंने इन आंखों से देखा है, लेकिन तुमने अपने और उसके मरातब का ख्याल किए बगैर उससे कई फेवर्स लिए। बात यहां तक रहती तो ठीक थी, काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन तुमने तो हद कर दी वकार अली, अपनी बेटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आपसे बढ़ रहे चले जाओ यहां से, लेकर जाओ, गेट आउट। आप रामेश भाई को फोन करें ना। नहीं, कोई फोन नहीं करेगा रामेश बाबा को, सुना तुम तीनों ने, कोई नहीं। तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हो बेटा? मॉम मैं ड्राइव कर रहा हूँ, साइट विजिट करने जा रहा हूँ, कोई खास बात है क्या? तुम साइट एरिया जा रहे हो, बाबा तुम्हारे साथ हैं क्या? बाबा ऑफिस में ही हैं, एक्चुअली उन्होंने ही जाना था लेकिन उनको भी काम पड़ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है उनके बिहाफ पे। आप बताइए कोई बात है तो? नहीं नहीं, कुछ खास तो नहीं। ठीक है, तुम काम खत्म कर लो, फिर शाम में मिलते हैं। जी। क्या बात है वकार अली, ठीक तो हो?
एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं, नहीं सुनूंगा मैं। ये सिला दिया तुमने मेरे एहसानात का, मामूली सी रिश्तेदारी का मैंने लिहाज किया, ताल्लुकदारी का इतना पास किया, पास के पिछले 20 बरस से तुम्हारा खानदान इस नौकरी पे पन रहा है। अब मेरे एहसानात के तले दबने की बजाय तुम जब मेरी बराबरी का ख्वाब देखना शुरू करो, शेम आ गई, शेम आ गई। ये लो, इन सारे चक्रों की बजाय ना अपनी पढ़ाई खत्म करके जरबाब की तरह किसी काम धंधे पर लगो। तुम्हारी तो पढ़ाई ने मेरी कमर ही तोड़ दी है। जरबाब ने भी पढ़ाइयाँ की, कई कोर्स किए, लेकिन कभी मेरे शानों पर सवार नहीं हुआ, अपना खर्चा खुद उठाता था। अरे ट्यूस ने पढ़ाई, नौकरियाँ की, लेकिन तुम हो कि जो मेरे शानों पर लदे हो उसको लदे ही हुए हो। अरे एक तरफ मैं तुम्हारी फीसें पूरी करूँ, दूसरी तरफ तुम्हारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही मैं डलवाऊँ, और तुम्हारे वो निकम्मे दोस्त उनके मुँह मैं ही भरूँ। अरे कभी तो रहम करो अपनी माँ पर, कलेजा ठंडा होने दो मेरा सरा। जी जी, मुंह भर भर के तारीफ करें भाई साहब की, वो वक्त दूर नहीं जब इस निकम में नालायक का शाना दस्याब होगा लिपट कर दो चार आंसू बहाने के लिए। खुदा ना खास्ता तुम्हारे मुंह में खाक, अरे मैं क्यों रोने लगी लिपट कर तुमसे। अम्मी जी, इस निकम में ने कभी किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाई, लेकिन ट्यूशन के नाम पर कभी इश्क भी नहीं लड़ाया मैंने, भूल गई आप सब कुछ। मौसूफ मोहतरमा जवेरिया को ट्यूशन दिया करते थे, और जिस सब्जेक्ट में वो ट्यूशन पढ़ती थी ना, जवेरिया उसी में फेल हो गई। बात कुछ भी हो ना, तुम घुमा फिराकर उस मनहूस लड़की का जिक्र जरूर लेकर आते हो। जी होशियार करता रहता हूँ मैं आपको, अभी जो मैंने आपसे रोने का जिक्र किया था ना भाई साहब, और जवेरिया के मुस्तकबिल के इरादों से खबरदार किया है मैंने, फिर भी आपको हमेशा मेरी सिंसियरिटी पे शक रहता है। अगर इतना ही शौक था मुझे गधा बनाकर घर की गाड़ी में जोतने का, तो भाईजान से पहले पैदा करना था मुझे। जी चाहता है कि तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लो। जी हाँ क्यों नहीं, एक ही तो काम की चीज है मेरे पास, वो भी छीन लें आप मुझसे। हमारे खानदान में कोई कसाई गुजरे थे क्या? चप्पल उतार के मारूं क्या? अरे अम्मी जान, मैं तो मजाक कर रहा था, दिल लगी आपके साथ, आपको छेड़ने में मजा आता है मुझे। अच्छा वो तुम जरबाब और जवेरिया के बारे में जो कह रहे थे? बता दूं, पहले मुझसे वादा करें, इस मामले में मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, पता चले भाई की नजरों में आपने मुझे जलील कर दिया। कम अकल समझे मुझे, नहीं आएगा तुम्हारा नाम। बताओ मामला क्या है? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा जरबाब कभी इतना भयानक कदम नहीं उठा सकता। लगाए मेरे साथ शायद भाई साहब खूंटा तोड़ने के चक्रों में है, ये जवेरे जैसी लड़कियां होती हैं ना, ये भाई साहब जैसे लड़कों को कभी छोड़ती हैं क्या? लगाए मेरे साथ शायद, लगाए जितना कहें। बाबा क्या हुआ है? बाबा क्या हुआ? बाबा बताएं क्या हुआ है? बाबा डॉक्टर को बुलाऊं? बाबा बताएं ना क्या हुआ है? अपिया कुछ कह रही है, बाबा प्लीज बता दे। अपिया आप रामेश भाई को फोन करें ना। नहीं, कोई फोन नहीं करेगा रामेश बाबा को, सुना तुम तीनों ने, कोई नहीं। मैं मर जाऊं तो भी नहीं बाबा। उम्र भर की नेक नामी दांव पर लग गई, शायद आखरत में इसे ही पुल सरात कहते होंगे, लेकिन दुनिया में ये मकाम इम्तिहान है। जहां मुझे लाकर खड़ा कर दिया गया,
दुआ करना बेटा, दुआ करना। यूं ना कि रूं के उठ भी ना सकूं। पापा नहीं। आप घर आने की सहमत मत कीजिएगा। हमारा दिल या हमारा घर इतना छोटा नहीं है, लेकिन आप लोगों का मर्तबा बहुत बड़ा है। तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा। क्या हुआ वकार चाचा, नहीं आए क्या आज? सर वो आए तो थे लेकिन जल्दी घर चले गए। जल्दी चले गए क्यों? सर ये नहीं पता। ओके। बात यहां तक रहती तो ठीक थी, काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन तुमने तो हद कर दी वकार अली, अपनी बेटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नेक नामी दांव पर लग गई, शायद आखिरत में इसे ही पुल एतराद कहते होंगे, लेकिन दुनिया में ये मकाम इम्तिहान है। हेलो। हाँ अलवा, कैसी हैं आप? मैं ठीक। और चाचा की तबीयत कैसी है? मैंने सुना था वो ऑफिस आए और जल्दी चले गए, सब खैरियत तो है ना? बाबा ठीक नहीं है। क्यों, खैरियत? ये बात तो आपके पापा बेहतर बता सकते हैं, आप उन्हीं से पूछिए ना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे बाबा ने इतने सालों जो कुछ भी किया वो सब कुछ भुला के आज उन्हें उस बात की सजा मिल रही है जो शायद उन्होंने किया ही नहीं। अच्छा परेशान नहीं हो, मैं आता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ उससे। नहीं प्लीज, आप घर आने की सहमत मत कीजिएगा। हमारा दिल या हमारा घर इतना छोटा नहीं है, लेकिन आप लोगों का मर्तबा बहुत बड़ा है।
फुर्सत ही फुर्सत है, बस अपने जैस की चादरें तैयार कर रही हूँ। आरिफ राजी हो गया तो तुम्हारे घर आऊँगी किसी दिन। तो तुम्हारा घर भी तो इतना दूर है कि अम्मी मुझे आने नहीं देती रक्षा टैक्सियों में, वरना मैं खुद ही आ जाऊँ। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। तुम्हारी दोस्तियों ने ना पहले ही ये दिन दिखाया है, ना दिन का चैन है ना रात का आराम, अब तो बख्श दो मुझे। अम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया है? जो तुमने करना था ना बीबी वो तुम कर चुकी हो, अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। अरे मैंने सोचा था कि तुम्हारी तालीम खत्म हो जाएगी तो फौरन तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगी, लेकिन अब वो तादा पड़ी है कि पहले जरबाप को रस्सी डालूं, उसे नुकेल डालूं, तो उसके बाद ही तुम्हारे बारे में सोचूंगी। अब तुम ऐसा करो कि जितनी भी वो चादरें बना रही हो ना जहेज की, उनको उठाकर पछत्ती में रख देना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई मैं तो रिश्ता देखने के लिए गई हुई थी, घर पहुंची तो बच्चे ने कहा जिस हाल में भी फौरन पहुंचे। बस हमीदा ऐसी बात है, मेरे दिल को तो पतंगे लगे हुए हैं, बस ले चलो मुझे। अब कहीं जाना है क्या? अरे हाँ उस लड़की के यहाँ जाना है, वहाँ ले चलो। कौन सी लड़की? सठिया गई हो क्या हमीदा? अभी चार दिन पहले उस लड़की की तारीफें कर करके जमीन और आसमान के खिलाबे में ला रही थी, अब मैं तुम्हें बताऊंगी उसका नाम और पता। अच्छा अच्छा आप इल्मा की बात कर रही हैं, वकार अली भाई की बेटी? अरे जो भी हो मुझे नहीं मालूम, बस मुझे ले चलो, मुझे उसके बाप से मिलना है। लेकिन शराफत बहन। अब क्या लेकिन? अरे वकार भाई से मेरी बात हुई थी, वो कहने लगे कि अभी फिलहाल इल्मा के लिए कोई रिश्ता मत लाना। चलो एक बार निकाह हो गया ना तो कोई भी किसी तरह की तुरमखानी नहीं कर सकेगा, निकाह के बाद सारे मामला तय करते रहेंगे। अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की मेरी शरीक हयात बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्मा होगी। कहाँ रह गया ये? ले आ गया। जरबाब कहाँ रह गए थे, इतनी देर हो गई? ट्रैफिक जाम में फंस गया था। अच्छा उस टेबल पे आ जाओ। क्या हुआ, अम्मी को देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मेरी मामा है, तुम्हारी नहीं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, बहुत खूबरू लग रहे हो इस लिबास में तुम, अल्लाह तुम्हें नजरे बच से बचाए। मेरे तो रोम रोम से तुम लोगों के लिए दुआ फूटती है, अब तुम दोनों ने जिंदगी गुजारने का फैसला कर ही लिया है तो खुदा तुम्हारी दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, तुम लोगों की जोड़ी को बुरी नज़र और शर से बचाए, खासकर शराफत की जिसमें नाम को शराफत नहीं है। प्लीज खाला आप मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हैं। ये तुमने अच्छी कही बेटा, तुम्हारी अम्मी हमें घर से जलील कर करके निकाले, ढेर सारी बातें सुनाए और ऊपर से तुम कह रहे हो कि उनके बारे में हम कुछ ना कहें। सरबाब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, तुम्हारी अम्मी और हमीदा खाला की वजह से ना मेरा नाम घर घर में गूंज रहा है। तुम क्या चाहते हो कि ना तो तुम्हारी माँ और बहन रिश्ता लेकर आए ना ही कोई और फटके? लड़कों का तो ऐसे मामलों में कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन लड़कियाँ बदनाम हो जाती हैं। जवीरिया के अब्बा के कान में ऐसी वैसी बात पड़ गई ना तो समझो तुम्हारे नाम का पर्चा कटवा देंगे। इकलौती बेटी की इज्जत का मामला है। आप लोग चाहती क्या है? तुम्हारी वजह से मेरा नाम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो रहा है, इससे पहले कि और बदनामी हो हम निकाह करके एक जायज रिश्ता बना लेते हैं, उसके बाद तुम अपनी अम्मी को मनाते रहना और वो मान भी जाएंगी। क्या ख्याल है मामा? बिल्कुल दुरुस्त, अब यही करना पड़ेगा बेटा। लेकिन खाला मैं। देखो बेटा इस जुमे की शाम को अपने दो तीन दोस्तों को खामोशी से घर ले आओ, जवेरी के अब्बा को मैं मना लूंगी। एक बार निकाह हो गया ना तो कोई भी किसी तरह की तुरमखानी नहीं कर सकेगा, निकाह के बाद सारे मामला तय करते रहेंगे। लेकिन खाला इतना बड़ा कदम मैं अपने घर वालों से छुपा कर कैसे उठा सकता हूँ? वैसे जैसे मुझसे रात भर बातें किया करते थे, इश्क लड़ाया करते थे, गप्पे लड़ाया करते थे, बिल्कुल वैसे। देखो बेटा खैर शरी काम में तुम्हें शर्म नहीं आई तो शरी काम में शर्म कैसी? जवेरिया से एक ना एक दिन तुमने शादी करनी थी तो देर कैसी? ऐसा करते हैं निकाह को उस वक्त तक पोशीदा रखते हैं जब तक तुम अपनी माँ को एतमाद में ना ले लो, तुम्हारी बात भी रह जाएगी और हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। क्यों जवेरिया, ठीक कह रही हूँ ना बेटा? आप मेरी मामा हैं, कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकते। बस तय हो गया, इस जुमे को निकाह करेंगे। बेटा
कुछ रकम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जवेरिया तुम्हें फोन पे सारी तफसील बता देगी। डन। अब इस खुशी के मौके पे कुछ ऑर्डर तो करो कंजूस। मैंने भी उसकी औकात याद दिला दी। अगर आंखों में जरा भी शर्म होगी तो पीछे हट जाएगा, और अगर फिर भी ढिटाई पे कायम रहा तो आगे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मुजफ्फर साहब, इतनी आसानी से बात तो नहीं खत्म हो जाएगी। अभी तो रामेश का रिएक्शन सामने आने जिसका मुझे सबसे ज्यादा खौफ हो रहा है। आपसे इत्तला मिलते ही मैंने उसे फोन करके कन्फर्म किया कि वकार अली ने पूरी कहानी उसे सुना दी कि नहीं। अभी तक तो वो लाइल्म ही था। अब तक उसे पता चल गया होगा, इसीलिए मैं दफ्तर से जल्दी घर आ गया हूँ कि जो भी बात हो वो घर पे। लेकिन आप प्लीज जरा नरमी से बात कीजिएगा। तमकनत, प्लीज मुझे अब ये समझाने की कोशिश मत करो कि मैं उसका नहीं, वो मेरा बाप है। सही कहा आपने, आप ही मेरे बाप हैं बाप। आप जो कहेंगे मैं सर झुकाकर सुनूंगा। बाप होने के नाते आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको यह हक नहीं पहुंचता कि आप अपनी औलाद की गलतियों, उसके फैसलों और उसकी पसंद की वजह से किसी और को जाके बेइज्जत और शर्मिंदा करें। औलाद अगर अपनी आंखों पर ना समझी और अंधे जज्बात की पट्टियां बांधकर गलत रास्तों पर चल निकले तो माँ बाप को बाज़ोकात उन रास्तों का मुंह बंद करना पड़ता है। तुम अभी नादान और ना समझ हो, और अपनी ना समझी को मेरी दूरंदेशी पर फोकियत मत दो। मेरी ना समझी आपकी दूरंदेशी के आगे हमेशा सरेंडर करती रहेगी बाबा, लेकिन बात अगर किसी की इज्जत और प्रेस्टीज की आ जाए तो फिर मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह एहतजाज करूंगा। मैंने तुमसे कहा था रामेश कि मैं स्याह पट्टियों और भूख हड़तालों से नहीं डरता हूं। वो शख्स जो सारी जिंदगी मेरे टुकड़ों पे पलता रहा, मैं उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले आऊं या कभी सोचना भी मत। वकार चाचा ने हमेशा अपनी मेहनत का मुआवजा लिया है बाबा। आपको गलत फहमी कैसे कि वह आपके टुकड़ों पर पलते रहे, आपके एहसानों पर जिंदा है। आपको तो हजारों मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी दम से आपकी फैक्ट्रियां, आपकी मिलें चल रही हैं। ये किस किस्म की फजूल बहस में पड़ गए आप लोग? बात क्या थी और आप कहां जा निकले? एक सेकंड मॉम, बाबा ने अपना फैसला सुना दिया है ना, अब मेरा फैसला भी सुन ले। अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की मेरी शरीक हयात बनकर आएगी तो वह सिर्फ और सिर्फ इल्मा होगी। मेरा पहला और आखिरी फैसला है। बाबा अगर उसे इस घर में अपनी बहू बनाकर नहीं लाना चाहते तो ठीक है, मेरी नासमझीन की दूरंदेशी के आगे जरूर सरेंडर करेगी। इस घर में कभी कोई और लड़की बहू बनकर नहीं आएगी। अभी आप लोगों के ऊपर है कि मेरी शादी का टॉपिक इस घर में दोबारा डिस्कस करें या नहीं। इल्मा को पसंद करने की गलती सरासर मेरी थी बाबा, मैं पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं, पर आपने जाकर वकार चाचा को उसकी सजा सुना दी। ठीक है, इस गलती का अजाला अब मैं करूंगा। मैं आपका बेटा रामेश हसन, अगर जरूरत पड़ी तो उस मामूली इंसान के कदमों में बैठकर माफी मांगूंगा। सुन लिया आप लोगों ने? अरे मुजफ्फर साहब, कैसी तबीयत है? ठीक है आप? ले लीजिए पानी, पी लीजिए पानी, पिए थोड़ा। भी कुछ हुआ कि मुझे बाबा से ये उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं रामेश बाबा, इतनी उम्र में बहुत सारे रंग देखे हैं, एक नया रंग और सही। सुना है कि तुमने छोटी सी उम्र में ही पूरा घर संभाल लिया था। जी, बहुत छोटी थी जब अम्मी का इंतकाल हो गया था।
उसके बाद सब कुछ कैसे होता चला गया पता ही नहीं चला।